नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हम आए हैं ख्वाजा एनके, इनके क्लिनिक में। ये डॉक्टर है, इन्होंने कोरोना काल में ऐसे ऐसे पेशेंट्स को हैंडल किया है कि जहां लोगों ने डॉक्टर उसने खास करके अपनी क्लिनिक्स बंद कर चुके थे, उस टाइम पे ये डॉक्टर ने पूरा टाइम अपना क्लिनिक ओपन रखा है और आम जनता को वो अच्छी सर्विस दी है। पहले तो मैं सबको वेलकम करना चाहूंगी तत्काल न्यूज में। सर प्लीज हमें बताइए कि एक्चुअल में कोरोना है क्या? कोरोना, मैडम अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोरोना है क्या, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है, ये एक वायरल डिसीज करके ऐसा बताया है इसमें। और इसके कारण से इस डिसीज में लंग्स में कुछ इंफ्लेमेशन ऐसा होता है, पेशेंट को ड्राई कप होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, रेस्टलेसनेस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स इस कोरोना बीमारी में आते हैं। तो ये एक वायरल डिसीज है। जैसे कि ये 6-7 महीने पहले एकदम से कोरोना का प्रभाव आम जनता पर पड़ गया और आम जनता पूरी तरीके से डर गई, तो इसका आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? हमारे जैसे जो लोग हैं अभी भी, आज भी थोड़े बहुत खौफ में ही है कि ये वायरस कभी भी हो सकता है, तो आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, आम जनता को संदेश उस वक्त भी इतना मिला और इतनी डरी कि और संदेश देने की जरूरत नहीं रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस वजह से ये कर्तव्य फाउंडेशन की ओर से जो कोरोना योद्धा का जो अवार्ड मिला है, उसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ये है कि डॉक्टर्स लोगों ने उस वक्त इस वजह से कि ये बीमारी डॉक्टर्स को भी हो रही थी और उसकी वजह से उन्हें क्वारंटाइन भी होने का डर था, तो उस समय में शुरुआत में 1-1.5 महीना में बहुत सारे डॉक्टर्स ने बंद रखा, ये उनकी मर्जी, मैं उनको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उस समय में मुझे यूँ लगा कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि बीमारी में मैंने लोगों की सेवा करना चाहिए। और मुझे अंदर से आत्मविश्वास ये भी था कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड का कोई ईश्वर है तो वो उसके लोगों को, सेवा देने वाले को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अंदर से ऐसा विश्वास था कि मुझे वो एक प्रोटेक्शन में रखेगा। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैं अपने क्लिनिक पर एक दिन भी मैंने बंद नहीं रखा, पूरा क्लिनिक किया, यहाँ तक के घरों पर भी लोगों को जो सीवियर हो जाते थे उनको मैंने सर्विस दी और वो अच्छे भी हुए। तो एक मेरा अनुभव ये है कि जिसको, जिस पेशेंट ने अर्ली उससे डिटेक्ट किया, डॉक्टर के पास में गया, वो 100% क्योर भी हुए। जो डर की वजह से अपने घर बैठे रहे, उन्होंने बताया नहीं, तो उनके कॉम्प्लिकेशन बढ़े और डेथ भी हुई बहुत सारी, हमको मालूम है कि डेथ भी बहुत हुई। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्होंने अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर्स को अप्रोच किया, डॉक्टर ने सही डायग्नोस किया और ट्रीटमेंट सही मिला और दूसरी चीज़ें भी, दवाएं के साथ साथ उन्होंने जो दूसरे बहुत सारे लोगों ने काढ़े वगैरह किए, तो उन्होंने भी ज़रूर काम किया है, तो उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट मिले और वो आराम लगा इसमें। लेकिन एक संदेश देने के इसमें यह है कि पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स लोगों के लिए भी संदेश है कि ऐसे समय पर अगर आपकी सर्विस की ज़रूरत है तो आपने सर्विस देना चाहिए, और ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है। जैसे एक बहुत फेमस डायलॉग है एक आनंद का कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जा अपना, तो वो सबकी मौत का तो ऊपर वाले के हाथ में, कौन कब उठेगा कोई नहीं जान सकता। अपन ने डॉक्टर फील्ड में है तो सर्विस देना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा देने के लिए अंदर से साथी थी और मैं सर्विस दे सका, और अब अच्छा लगता है कि ऐसे टाइम में मैंने सर्विस दिया बहुत सारे लोगों की। अगर मैं एक इंसान की भी जान बचा सका तो ये बात आती है कि एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर होती है। तो वो चीज़ें ऐसी हुई तो उससे एक अच्छी खुशी भी मिलती है और फील्ड में काम करने का उत्साह भी मिलता है, और लोग अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी शायद इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा, तो वो भी अपनी सर्विस मानवता के लिए देंगे तो मानवता का फायदा। आपने उस टाइम में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जैसे कि पेशेंट्स आपके पास आते थे? हाँ, प्रिकॉशंस तो फुल लेना चाहिए, इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि एकदम निडर हो कि आप उसमें चले जाए, मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, घर जाकर अपने फैमिली से भी थोड़ा डिस्टेंस में रहना, आइसोलेटेड रहना,
ताकि अभी घर की फैमिली की तो सबको फिक्र होती थी, मुझे भी थी, तो मैं भी अपने घर में एक कमरे में अलग रहता था और ये सारे प्रिकॉशन लेते हुए ये हुआ कि मुझे इस पेंडेमिक में कुछ सिम्टम्स भी नहीं आया, फिर हो सकता है कि आकर मेरे चला भी गया होगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग रही उसको सिम्टम्स नहीं दिया, अगर जिसको पॉजिटिव भी आए तो मुमकिन है कि मुझे भी आया होगा गया होगा, लेकिन कोई सिम्टम्स उसके नहीं आया। उस टाइम पर कैसा है मैडम, ये बात भी है मुझे इससे कबूल करने में कोई नहीं है कि कुछ कुछ पेशेंट तो ऐसे है अर्ली स्टेज में कि जब तक के पूरे सिम्टम्स का सेट भी नहीं आया था कि कोरोना में क्या 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 होता है, तो ऐसा लगता था कि फीवर है और लोगों को वीकनेस होती थी और वो अच्छे भी हो गए, फिर बाद में मुझे लगा कि शायद इनको भी वही कोरोना का इन्फेक्शन रहा होगा। ऐसे कई पेशेंट, अब गिनती तो नहीं लेकिन बहुत मेरे पास में आते थे पेशेंट, काफी पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। अच्छे मास्क को लेकर मैं आपको पूछना चाहूँगी कि ये जो नॉर्मल मास्क है जो हम पहनते हैं और गवर्नमेंट ने जो बताया कि N95 ही मास्क पहना, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, दोनों में से क्या ठीक रहेगा? नहीं मैडम, इसमें जरा ये भी आएगा N90 का एक बार आया कि एडवाइस करो, उसके बाद में ये भी आ गया कि N90 में जो नेट होती है उसके अंदर वायरस छुपे हो सकते, तो उस पर बैन भी आया, दोनों चीजें। तो मास्क कौन सा हो ये छोड़कर अच्छे से अच्छा मास्क यूज कर लेना चाहिए, प्रोटेक्शन रहे कि अगर समझिए कि कोई पेशेंट जिसके माथे पे तो नहीं लिखा होगा टेस्ट, सबने कराया नहीं था इस स्टेज में, तो बस एक प्रोटेक्शन डिस्टेंस हो 1.5 मीटर का, क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट है कि अगर वायरस ऐसे हवा में नहीं फिरते, कोई इन्फेक्टेड है वो अगर बात करता है, ड्रॉपलेट होती है उसकी, खांसता है, छींकता है, उससे वायरस जा सकता है, वायरस ऐसा डायरेक्ट ऐसे भी नहीं जाएगी, तो थोड़ी देर के बाद में आप नीचे फर्श में गिर जाएंगे, तो उतनी रेंज में नहीं आना चाहिए, और प्रोटेक्शन की इसलिए बात कर रहे हैं तो मास्क लगा रहे तो डायरेक्ट उसके संपर्क में वायरस के नहीं आएगा, एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर मास्क यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर, आप यहाँ पर कोई अगर पेशेंट आके गया उसके हाथ से टेबल पर कहीं चेयर पर लग गए, वो दूसरा हाथ रखता है तो उसने सैनिटाइज करते जाना, हाथ धोने की बात आती बार बार साबुन की, तो वो भी एक चीज ऐसी है जिससे प्रोटेक्शन मिल सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स पे वाकई में सही रहे, और मैंने भी वो अप्लाई किया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिनिक में भी एक डोर बांध के रखी थी कि पेशेंट वहाँ डिस्टेंस से रहे, और एट ए टाइम एक ही पेशेंट में लेता था बाहर से, ये सारे प्रिकॉशंस भी लिए, और ऐसा भी नहीं कि पेशेंट को भगा भी दिया, डील भी किया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों मिलाकर इस बीमारी से फेस करने में सक्सेस मिला और पेशेंट भी अच्छे हुए, और अभी तो समझिए कि ऊपर वाली कृपा से बहुत कम केसेज आ रहे हैं, बहुत कम हो गया, और ये भी रूमर्स चल रही है, रूमर्स बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या दिसंबर में भी आने वाला है, अब देखेंगे क्या है। जैसे कि सुनने में आया था कि ठंड के मौसम में अभी ये फिर से बढ़ सकता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, ठंड का और टेम्परेचर का तो ये बात आई थी कि उसमें उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई एक्टिव केसेस आसपास नहीं है कितनी भी ठंड हो जाए तो वायरस ही नहीं आएगा, वायरस तो पेशेंट अगर कोई है इन्फेक्टेड उसी के थ्रू होगा, कहीं जगह पर कचरा फोड़ा है उसमें से वायरस निकला ऐसा भी नहीं है, वायरस तो आएगा किसी न किसी के द्वारा ही आएगा, इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा ही आएगा, और वो उसके कॉन्टेक्ट में संपर्क आने से ही फैलेगा, तो ये सारे प्रिवेंशन हो रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, तो फिर कौन से बिना पर हम कह सकते हैं कि फैलेगा क्या? हमारे यहाँ भी इंडिया में भी कहीं से जहाँ कहीं से भी आया तो लोगों ने वहाँ से जो लोग आए वही वायरस लीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में और कोई जगह पर वायरस बन रहा है, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते कोई दूसरी चीज़ें होती, तो वैसा नहीं है ये, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा ही ये फैल सकता है, कोई इन्फेक्टेड हो वही कम्युनिटी में जाता है, किसी से संपर्क होता है, क्लोज आता है, वायरस ट्रांसफर होते हैं तो इन्फेक्शन होता है, तो अभी अब दिसंबर और ठंडी का तो इसमें कोई लेना देना नहीं, ठंडी में ये होंगे कि ठंडी में कॉमन कोल्ड वगैरह होता है वो होगा, उस ड्यूरेशन में ठंडी कॉमन कोल्ड होने से अगर पर्सन की इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो सस्टेनेबल हो जाता है, उसको वो वायरस जल्दी इफेक्ट कर सकते हैं, ये एक चीज़ हो सकती है ठंडी की वजह से, और तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ठंडी में बढ़ जाएगा, उसके लिए तो जो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आपको कर्तव्य फाउंडेशन की तरफ से कोरोना योद्धा का अवार्ड भी दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
हाँ, कर्तव्य फाउंडेशन में मेरा अनुभव यही रहा, जैसे मैंने भी बताया कि मैंने एक अपना फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है और डॉक्टर बने हैं, तो डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है कि बीमारी फैलते समय बीमारों की सेवा करें। अब ये बात है कि कुछ लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए इस समय में अपनी क्लिनिक बंद रखी, उनका डिसीजन, लेकिन मुझे ये लगे कि मैंने करना चाहिए और मैं अगर सेवा कर रहा हूँ तो मैं प्रोटेक्शन में रहूँगा ऊपर वाले की, ईश्वर की, ये भी एक अंदर से चीज़ थी, तो मैंने ये किया। और मैंने ये भी देखा कि मैंने आपसे शेयर किया कि अनरिलेटेड जो केस हुए उनका ट्रीटमेंट हुआ, अच्छे भी हो गए, और ज़्यादातर जो केसेस हुए एक साइटोकाइन स्टॉर्म जिसमें जो इन्फेक्टेड पेशेंट की इम्यूनिटी हाइपर रिएक्ट करती, उसके नतीजे में हाइपर इन्फ्लामेशन होता है लंग्स के अंदर, एल्वियोलाइज में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसकी वजह से लंग्स ऑक्सीजन एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, और ऑक्सीजन के कम एब्सॉर्ब करने से SpO2 का परसेंटेज लेवल डाउन होने की वजह से फिप्स नहीं होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से डेथ रेट बढ़ता है। तो अर्ली डिटेक्ट में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होते तो पेशेंट की ओर हो जाते हैं। जैसे शुरुआत में हमने देखा है कि कोरोना के पेशेंट तो कम थे, लेकिन खौफ की वजह से दिन ब दिन जो पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, और उसके बाद आज की डेट में हम अगर देखें तो लोग विदाउट मास्क के घूम रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन भी खुल गया है, आराम से घर के बाहर निकल रहे हैं, फिर भी पेशेंट बढ़ नहीं रहे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, खौफ की वजह से पेशेंट को कोरोना हुआ ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाँ, ये हुआ जरूर कि स्टार्ट में जो क्वारंटाइन का जो डर था, जो कि कोरोना से भी ज्यादा रहा है, कोई होता ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता, उसी तरह से ये भी हुआ कि कोरोना से डर नहीं लगता, क्वारंटाइन होने से डर लगता, तो उसकी वजह से लोग खौफ ज्यादा थे। उसमें ये हुआ कि जिनको सिम्टम्स अपीयर भी हुए इस डर से कि अगर बताएंगे तो हमारे घर के लोग भी चले जाएंगे, उन्होंने बताया नहीं, उससे कोरोना स्प्रेड हुआ। एक आदमी इन्फेक्शन लेके घूम रहा है लेकिन बता नहीं रहा, वो जहाँ जहाँ कम्युनिटी में वो जा रहा है वो फैला रहा है। अभी ऐसा हुआ कि मेडिसिन भी मिलने लगी, हॉस्पिटल एडमिट भी करने लगे और उसके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेवल पर होने लगे, तो ये हुआ कि लोगों ने खुद से जाकर भी टेस्ट कराए, टेस्ट कराया, जो डिटेक्ट हुए वो ट्रीटमेंट चाहे घर पर ही करे, अच्छे भी हुए। और ये भी एक सर्वे आया था कि जब 60% से ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को तो उसके बाद में रेजिस्टेंस आता है, स्प्रेड होने की चेन नहीं बनती है, जैसे पहले कि सबको किसी को रेजिस्टेंस ही नहीं था, सबको हो रहा तो आपको हुआ, आप उनको फैलाएंगे, अब इनको एक बार होके चला गया तो वहाँ पर जाकर वो चेन ब्रेक हो जाएंगे, रेजिस्टेंस आ गया इसको तो हो गया, उतने सिम्टम नहीं थे, तो ये भी एक कंसेप्ट है कि 60% इन्फेक्शन हो जाने के बाद में वो जो चेंज है वो चलती नहीं बल्कि वो ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो अभी जो फैल रहा था इन्फेक्शन वो अंडर कंट्रोल है, कम हो गया है, ये एक वजह हो सकती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी इसके बारे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, हमें रोज के खाने पीने में क्या चीज लेनी चाहिए? इम्यूनिटी के लिए तो देखिए कि लोगों ने जो चीज़ें अभी समझिए कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथी है, एलोपैथी में जिंक, विटामिन सी और फॉलिक एसिड, ये चीज़ें लोगों को एडवाइस किया गया, उन्होंने जिन्होंने लिया भी तो वो थोड़ा प्रोटेक्टिव भी रहे। आयुर्वेदा में जो काढ़े लोगों ने पिया, आयुर्वेदा यूनानी के जो काढ़े पिए, होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन आर्सेनिक वगैरह वो लिया, वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्यूनिटी बड़ी बड़ी बूस्टअप हुई है। उसके अलावा सब्जी वगैरह और थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते रहें, तो वो भी एक चीज़ ऐसी है जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है और आदमी हेल्दी रहता है। और सबसे बड़ी बात एक खौफ भी ना, अभी आप मुझे देख रहे हैं, आपने जो बात की कि अभी लोगों के अंदर खौफ नहीं, तो ये भी एक चीज़ है जो खौफ जो आत्मविश्वास बढ़ाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है अंदर से, ये भी एक चीज़ है, तो हमें डरना नहीं बल्कि सतर्क रहना। मैं अक्सर पेशेंट को ये बोलता है कि कोरोना से डरो नहीं, सतर्क रहो, जो भी सिम्टम होता है वो बताओ और उसको प्रिकॉशन भी करो और ट्रीटमेंट करो, तो ये एक संदेश भी होगा कि भाई आपको डरना नहीं बल्कि सतर्क रहना है, अगर ऐसा लगता है तो प्रॉपर टेस्ट वगैरह कराकर ट्रीटमेंट लेंगे तो आप हेल्दी रह सकते। और कोरोना के वैक्सीन आने तक क्या आसार है, कब तक के आ सकते हैं? कोरोना की वैक्सीन
अगला समझिए कि एक साल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे रिपोर्ट आ रही है हमारे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का जो है उसमें बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की तैयारी है। और एक मैंने वीडियो क्लिप में ये भी देखा था कि तकरीबन एक दिन में 2 लाख वैक्सीन के डोज वहाँ पर प्रिपेयर तैयार हो सकते हैं, इतना बड़ा सेटअप है, वो तैयार हो जाएगा। अब अवेलेबिलिटी कराना और लोगों की उसकी कॉस्ट ऐसी हो जो लोगों की विद इन रीच हो, करीब भी आदमी उसको ले सके, ये एक चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके नतीजे में हर कोई उसे एफर्ट कर सके, लगा सके, तो ये भी एक चीज़ वैक्सीन का फायदा हो सकता है। और कब तक आती है, क्योंकि वैक्सीन के स्टेज रहते तैयार होना, ट्रायल रिपोर्ट आना, उसके रिजल्ट आना, फिर उसके बाद में अवेलेबिलिटी होना, सारी जगहों पर अवेलेबल होना और विद इन रीच होना, वो सारी चीज़ें होगी तो वैक्सीन ज़रूर काम चल रहा है, गवर्नमेंट इसके लिए बड़ी सतर्क है और काम कर रही है। ऐसा लगता है कि जल्द ही ये वैक्सीन लोगों तक पहुँच जाएगी और लोग भी उसको रिस्पॉन्स करेंगे और ये बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत हद तक के हम सक्सेस हो सकेंगे। इन्फॉर्मेशन तो मैं दूं ना दूं, लेकिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हर किसी को एक्सपीरियंस आपने शेयर। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस मैंने बताया, वही मैंने कहा था कि मेरे और उसमें अगर कुछ कहना है। हाँ, यही है कि भी हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही है कि इस तरह की कैसी भी बीमारी अगर फैलती है तो उस बीमारियों में अपना होश आवाज खो देना, घबरा जाना, ऐसा नहीं, बल्कि अब मरना जीना तो आदमी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना से ही मरेगा, कोई दूसरी चीज़ से भी मर सकता, जब मौत आती है तो तब तो मरना ही पड़ता, कोई बच नहीं सकता, लेकिन जब तक के है तो जब तक के है डर के नहीं जीना चाहिए। सिचुएशन कोई भी हो, बीमारी हो या बिजनेस में लॉस होता है लोगों को, डरना नहीं रहता, बल्कि ऐसे सिचुएशन से खड़े रहकर फेस करना चाहिए हिम्मत के साथ में, तो ये एक चीज़ ऐसी होती है जो सक्सेस दिलाती है। तो इसमें भी बीमारियों में भी आदमी ने खौफ नहीं खाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत के साथ में फेस करना चाहिए, किस्मत रही तो जिएगा, जाना है तो जाएंगे, ये एक संदेश हो सकता है लोगों को।